हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो मैथ्स में वीक हैं और 11th में आके साइंस ले ली और अब जेई की तैयारी कर रहे हैं लेकिन मैथ्स वीक है सर, कैसे करें। तो उन बच्चों के लिए देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अच्छे समझ आ जाएगी कहाँ पे गलती हो रही है, कैसे आपको स्टार्ट से लेके हाई लेवल पे जाना है और सब कुछ कैसे स्टेप वाइज चलना है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, आप पहले कोई रेगुलर क्लासेस ले लीजिए मैथ्स की, ठीक है, और वहाँ पर कोई भी क्लास मत मिस करिए और नीट एंड क्लीन जितने हो सके नोट्स बनाइए ताकि आपका बार बार उसको पढ़ने का मन करे और आप उसके अंदर बार बार रिवीजन करते रहो। ये सबसे पहला काम है, क्लासेस करिए, नोट्स बनाइए सबसे। ये सब करने के बाद जब आप सही कंटेंट जब पढ़ लोगे, बिल्कुल जेई वाला लेवल का कंटेंट, सिर्फ एनसीईआरटी मत पढ़ के बैठ जाना या सिर्फ आरटी से नहीं, पूरा जेई लेवल का कंटेंट पढ़ के उसके बाद, इसके बाद स्टेप नंबर 2 पर आप जाओगे, आप प्रैक्टिस करिए लो लेवल की बुक से। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही पीवाईक्यू करने लग गए, पीवाईक्यू मतलब जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए और वो करने शुरू हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। पहले कोई स्टार्टिंग बेसिक बुक करिए, कुछ आसान से क्वेश्चन के अगर आपको दिखते हैं कुछ लो पब्लिशर के, तो उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए लो लेवल के, थोड़े से उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, धीरे धीरे बेटा उनको प्रैक्टिस करते जाइए। जब आप उनको प्रैक्टिस करोगे, ये नहीं कि स्पीड से करना है, स्लोली स्लोली करिए, स्पीड अपने बाद में आ जाएगी जब आपको एक्यूरेसी आपके हाथ में आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, रेगुलर रिवीजन आप करते जाइए। स्टेप नंबर 3 आता है कि आपने रेगुलर रिवीजन करते रहना है, मतलब जब आपका कौन सा चैप्टर हो गया तो उसका बाद में भी रिवीजन आपको आना चाहिए, रिवीजन आपका चलता रहना चाहिए, ऐसा कहीं रुकना नहीं चाहिए। लाइक मान लो बाइनोमियल चैप्टर चल रहा है आपका, तो पीएनसी अगर हो गया तो उसका बीच में कभी कभी रिवीजन करते रहो और उसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहो बीच बीच में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, फिर बढ़ाओ थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन, ठीक है ना, तो क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाओगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन का जैसे ही आप लेवल बढ़ाओगे तो ऐसा नहीं कि सीधा जेई के क्वेश्चन में पहुंच जाओगे, धीरे धीरे बढ़ाना है, थोड़ा सा मुश्किल बुक उठाइए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए स्लोली आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि स्पीड से मेरे को जल्दी 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 क्वेश्चन सोल्व करने, धीरे धीरे सोल्व करिए, आराम से टाइम लेके करिए, अपने आप स्पीड आपके हाथ में आ जाएगी, अपने आप ही देखना, समय के साथ जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे मैथ्स के अंदर तो आपको ऑटोमेटिकली आपके हाथ में स्पीड आ जाएगी, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। रेगुलर रिवीजन तो है ही। इसके बाद सब ये सब स्टेप 4 करने के बाद आप जाइए बेटा सीधा करिए सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट देने बहुत जरूरी होते हैं, हर चैप्टर वाइज आपको पता चलेगी कितनी नॉलेज आपके पास है, कितनी सस्टेन आप कर पाए और कितनी आपको रिकॉल नहीं हो पा रही है, तो वो आपको देखना जरूरी है, उसको एनालाइज करना जरूरी है। उसके बाद जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जेई के, डायरेक्ट मत चले जाना वरना आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है, और अगर सोल्व नहीं हुए तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप क्या करना, एंड में पीवाईक्यू करना जेई के। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो स्टेप वाइज माइंड में, तो डेफिनेटली मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको और गारंटी देता हूँ आपको कि आपका भी मैथ्स इंप्रूव हो जाएगा, चाहे आप मैथ्स में जितने भी वीक हो। तो ऐसे ही बेटा और भी अच्छे कंटेंट के साथ मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाले ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।